चलिए दोस्तों, आपको कुछ अलग तरीके से बताते हैं कि झूठ का विलोम शब्द क्या होता है। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको झूठ के विलोम शब्द के बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, ताकि आप झूठ के विलोम शब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुने कि वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हो, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और वहीं पर अगर हम झूठ के विलोम शब्द की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार झूठ का विलोम शब्द सच होता है। यानी दोस्तों, झूठ का विलोम शब्द सच है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ दोहराएं कि झूठ का विलोम शब्द सच होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन्हें और भी अधिक अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि झूठ का अर्थ क्या होता है और सच का अर्थ क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि झूठ का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, झूठ का हिंदी में अर्थ होता है मिथ्या या असत्य, यानी जो मिथ्या हो या असत्य हो उसे ही झूठ कहा जाता है। और वहीं पर अगर हम सच के अर्थ की बात करते हैं, तो दोस्तों सच का हिंदी में अर्थ होता है वास्तविक, यानी जो वास्तविक हो उसे सच कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपने अब समझा कि झूठ का अर्थ क्या है और सच का अर्थ क्या है। तो आप अब एक और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि झूठ का विलोम शब्द क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अपने एक बार इसके बारे में फिर से बात करते हैं कि झूठ का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए कि झूठ का विलोम शब्द सच है। यानी दोस्तों, झूठ का विलोम शब्द सच है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, जिसके लिए आप भी हमारे साथ दोहराएं कि झूठ का विलोम शब्द सच होता है। इसके अलावा दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि झूठ का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।